हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का ज्ञान विहार के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस के अपने तीन क्लास हो गई, आज अपनी चौथी क्लास है। और जीरो लेवल से छोटी छोटी चीज़ों से अपने शुरुआत की थी और स्टेप वाइज स्टेप अपन आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, देखो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपन जो भी टाइप पढ़ेंगे उसके हर बार चार से पांच क्वेश्चन पढ़ेंगे, और मैं वही चीज़ें लेके चल रहा हूँ हर बार। अपन ये नहीं देख रहे कि अपने को चैप्टर को कंप्लीट करना है या 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, 15 क्वेश्चन पढ़ लिए, काम खत्म। हर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक प्रॉफिट लॉस को मैं उस लेवल तक लेके जाने वाला हूँ जहाँ आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। बात समझ पा रहे हो? बस शर्त ये है कि आप खुद कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना। अकेली मेरी मेहनत से कुछ नहीं होने वाला। आप खुद कितना पढ़ रहे हो, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना पेन कॉपी लेके आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं, अपन नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखो ध्यान दो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। देखो 31 तक अपन कर चुके, कल लास्ट क्लास में अपना 31 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। आज अपन 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता तो 40% लाभ होता। देखो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ध्यान दो सभी, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप कोई वस्तु 800 रुपये में लेके आए और अब आप प्रॉफिट 10% चाहते हैं, सुनना ढंग से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। आप कोई वस्तु 800 रुपये में लेके आए और अब आप उस पर 10% प्रॉफिट चाहते हो, तो आप उसे कितने में बेचोगे? ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 800 × 110/100, यानी 10% प्रॉफिट का मतलब 110/100 होता है। आप मुझे ये बताओ, अगर आप 1560 रुपये में लेके आए और अब आप 28% प्रॉफिट पर बेचना चाहते हो, 1560 रुपये में लेके आए और अब आप उसे 28% प्रॉफिट में बेचना चाहते हो, तो मुझे ये बताओ क्या लिखोगे? 1560 × 128/100, यानी आप क्या देख रहे हैं कि प्रॉफिट हमेशा 100 में प्लस होता है और लॉस हमेशा 100 में माइनस होता है। आप मुझे एक बात बताओ, आप एक पेन लेके आए 40 रुपये में, आप एक पेन लेके आए 40 रुपये में, और अब आप किसी को ये कह रहे हैं कि मुझे 15% प्रॉफिट पे बेचना है। 40 रुपये वाले पेन को आप 15% प्रॉफिट पर बेचना चाहते हैं, इसका मतलब आप उसे कितने में बेचना चाह रहे हैं? आप लिखोगे 40 × 115/100, 40 × 115/100। बोलो आप ये बात समझ पा रहे हो आप मेरी? अरे बोलो हाँ या ना, आगे बढ़े। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने पास था। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदे और 55 रुपये अधिक में बेचे तो 40% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। CP SP, सबसे पहले कह रहा है कि 10% हानि पर बेच रहा है, यानी 100 रुपये वाली वस्तु को 90 में बेच रहा है, 100 रुपये वाली वस्तु को 90 में बेच रहा है। अब कह रहा है कि अगर वह 20% कम में खरीदता, 20% कम यानी 80 में खरीदता, 80 रुपये में खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता, अब ये जो रियल वैल्यू है, देखो सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको 3% वैल्यू मिलेंगी, इस क्वेश्चन में आपको 3% वैल्यू मिलेंगी और एक रियल वैल्यू मिलेगी। तो जो रियल वैल्यू है उसको अपने को कुछ देर के लिए साइड में रखना है, अपने को सिर्फ परसेंटेज वैल्यू से मतलब रखना है। मुझे आप ये बताओ, 20% कम 80 रुपये में खरीद ला है, 80 रुपये में खरीद के भी अब 40% प्रॉफिट कमा रहा है, 80 रुपये में खरीद के अब 40% प्रॉफिट पर बेचना चाहता है,
मुझे आप ये बताओ, 40% प्रॉफिट का मतलब आप क्या लिखोगे? 80 × 140/100। बस यही समझाया है मैंने आपको लास्ट क्लास में। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला कि अगर आप 80 रुपये में लाए हो और अब 40% प्रॉफिट चाहते हो तो 80 × 140/100। बोलो, 2 0 से 2 0 क्या हो गया? इसका मतलब आपने कितने में बेचा? 112 रुपये में। पहले कितने में बेच रहे थे आप? 90 रुपये में। अब कितने में? 112 में। कितना ज़्यादा? आप बोलोगे 22 में। यहाँ कितना ज़्यादा? 22 इकाई। और क्वेश्चन में कितना ज़्यादा? 55 इकाई। आप मुझे ये बताओ, 22 इकाई में कितने रुपए? 55 रुपए। अगर 22 इकाई 55 रुपए हैं तो बोलो 1 इकाई में कितना? आप बोलोगे 55/22। 55/22, 11 से 2 बार, 11 से 3 बार। अब क्या कह रहा है बताइए? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो बोलो 100 की वैल्यू क्या होगी? 3/2 × 100, 150 रुपये। 150 रुपये अपना आंसर हो जाएगा। 150 आंसर आएगा इसका, ठीक? इसका 150 आंसर आएगा। किसी भी एक ऑप्शन को 150 कर लेना, 150 आएगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट में आपको आता भी है कि 150 आंसर है इसका। जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ चुके या डिफरेंट टाइप, हर जगह मिलेगा ये क्वेश्चन आपको, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 150 इसका आंसर आएगा। सही किया है ना अपन ने? ओके ओके। पचपन बटा बाईस, 11 से 5 बार, 11 से 2 बार, 5/2 × 100, 250 आंसर आएगा। बिल्कुल 250 आंसर आएगा, 250। क्लियर? तो ये तो चलो कैलकुलेशन, इसको आप बाद में देखना। ये है इम्पोर्टेंट चीज, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये लाइन, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। कहाँ से आया 80, कहाँ से आया 140? बोलो क्लियर? आगे बढ़े, और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देखो क्या कह रहा है, 3-4 क्वेश्चन लेंगे अपन, क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। जब एक ही टाइप के खूब सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, वो टाइप हो जाएगा क्लियर, ठीक है? बहुत आसान है। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 10% कम में खरीदे और 3 रुपये अधिक में बेचे तो 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सीपी क्या होगा? सुनो ध्यान से, ध्यान देना, छोटा कर दो क्वेश्चन को। सीपी एसपी, सबसे पहले बोला 10% लाभ पर बेचता है, 100 रुपये वाली वस्तु 110 में बेचता है। अब कह रहा है यदि इसे 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता यानी 90 में खरीदता, और 3 रुपये अधिक में बेचता, इसको साइड में करो 3 रुपये को, 25% लाभ कमाना चाहता है, यहाँ पे 25% लाभ कमाना चाहता है, आप क्या लिखोगे? 90 × 125/100, 90 × 125/100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से गुणा कर दो, 125 × 9, 1125 हो जाएगा, 125 × 9, 1125 हो जाएगा। एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया। पहले 110 में बेच रहा था, अब 112.5 में बेच रहा है, कितना ज़्यादा? बोलो कितना ज़्यादा? 2.5। यहाँ कितना ज़्यादा बेच रहा है? 2.5। और क्वेश्चन में कितना ज़्यादा? 3 रुपये। बोलो 2.5 रियल में किसके बराबर है? 3 रुपये के बराबर है। तो बोलो 1 इकाई की वैल्यू, आप बोलोगे 3 में भाग दे दो 2.5 का, पॉइंट हटाओ 0, पॉइंट हटाओ 0, 5 से 5 बार, 5 से 6 बार,
अब क्या बोला, बताइए सीपी क्या होगा, 100 की वैल्यू पूछ रहा आपसे। तो बोलो 100 की वैल्यू क्या होगी, 6/5 इंटू 100, 100 में 5 का भाग 20 इंटू 6, 120, 120 आपका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। तो वही क्वेश्चन हो गया, 100 रुपये वाली वस्तु 110 में, 10 रुपये कम में खरीदा होता, क्रय मूल्य को 10% कम कर रहा है, 90 कर रहा है। आप ये बोलोगे आपने 10 को इसमें से घटा दिया, आपने 25 को इसमें क्यों नहीं जोड़ा। अपन घटाना और जोड़ना सिर्फ 100 में ही कर सकते हैं, 100 में डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 100 में डायरेक्ट घटा सकते हैं, ये मैं आपको परसेंटेज के चैप्टर में बताऊंगा। अभी परसेंटेज का चैप्टर बाकी है, ठीक है, तो उसको भी पढ़ेंगे अपन, उसमें भी खूब सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन, तो वहाँ से डाउट क्लियर कर दूंगा मैं, सुनो ध्यान से। तो 90 में खरीदा होता, अब 25% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 90 इंटू 125 बटा 100 में बेच रहा है, 112.5, कितना ज़्यादा, 2.5, यहाँ ज़्यादा, क्वेश्चन में भी ज़्यादा होगा, क्वेश्चन में कम, यहाँ भी कम आएगा, ऑटोमेटिक ये लागू होगा। बोलो 2.5 ज़्यादा, क्वेश्चन में 3 रुपये ज़्यादा, बस 2.5 की वैल्यू 3 रुपये, 1 की वैल्यू 3/2.5 का भाग दिया, 6/5 आ गया, अगर 1 की वैल्यू 6/5 तो 100 की वैल्यू 120। तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, तो एक क्वेश्चन आप करना है, अभी करो सभी, पढ़ो सभी और ला दो आंसर जल्दी से, जल्दी से आंसर ला दो। पहले क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ मैं आपके साथ साथ। एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, यदि उसने इसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम में खरीदा होता और 2 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, करो सभी जल्दी से, जल्दी से करो, गुड, ध्यान देना सभी, करो सभी ये क्वेश्चन। देखो क्या बोला, मैं बता देता हूं फिर से, ये सीपी लिख देते हैं, ये एसपी लिख देते हैं, दिख रहा है ना सबको। एक किसी वस्तु को 5% अधिक पर बेचता है, 100 रुपये वाली वस्तु 105 में बेचता है, यदि उसने इसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम में खरीदा होता, अगर यहाँ से 5 कम में खरीदा होता, 95 में खरीदा होता और 2 रुपये कम में बेचा होता और 10% लाभ कमाता, अब यहाँ पे 10% लाभ कमाने की सोच रहा है, तो आप क्या लिखोगे, 95 × 110/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से गुणा करना है तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 11 × 99 = 5, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 104.5, बोलो क्लियर, 104.5, यहाँ 104.5 है, यहाँ 105 है, कितना कम, आप बोलोगे 0.5 कम, 0.5 कम, यहाँ 2 रुपये कम, 0.5 की वैल्यू 2 रुपये, तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, अगर 0.5 2 के बराबर, अपने को 1 की वैल्यू चाहिए तो 0.5 का डबल, 0.5 का डबल 1 है तो 2 का डबल 4 हो जाएगा, अगर 1 की वैल्यू 4 है तो बोलो 100 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 4 है तो 100 की वैल्यू 4 × 100, 400 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 400। तो कर पाए होंगे सभी, फिर से देखना इसको, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो ध्यान से, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया, और क्यों आया डिफरेंट टाइप, इसको अपन अलग टाइप क्यों कह सकते हैं, पढ़ो सभी क्वेश्चन को। एक आदमी, ध्यान देना, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 600 रुपये कम में खरीदा होता
और 400 रुपए कम में बेचा होता। देखो ये खरीदने वाला जो रेट है, ये जो खरीदने वाला इसने इस बार रियल में बता दिया, परसेंटेज में नहीं बताया। तो देखो एक रियल वैल्यू की कंपेयर हो सकती है, दो रियल वैल्यू की कंपेयर नहीं हो सकती। एक रियल वैल्यू की कंपेयर हो सकती है, दो रियल वैल्यू की कंपेयर कभी नहीं हो सकती। अब कह रहा है कि 400 में कम बेचा होता तो उसे 10% एक्स्ट्रा लाभ होता। 10% एक्स्ट्रा का मतलब होता है 20 के बजाय 30% लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो या तो आप इसको एक्स मान के करो, या तो आप इसको एक्स मान कर करो पूरा बेसिक, या फिर आप इसको क्रॉस मेथड से कर दो। क्रॉस मेथड भी मैं एक दिन आपको एक टाइप लेके आऊँगा, क्रॉस मेथड से अपन किन किन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये क्रॉस मेथड ये भी बहुत अच्छा मेथड है, बहुत जगह लागू होता है। अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें 5 से 10 क्वेश्चनों में क्रॉस मेथड लागू हो जाएगा। तो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। सबसे पहले एक तो लाभ हुआ 20%, 1/5, और लास्ट में लाभ हुआ 30%। लास्ट में जो 10% लिखा हुआ है, लास्ट में जो 10% लिखा हुआ है, 10% एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब पहले 20 वाला फिर 10, टोटल 30। 30% का मतलब 3/10, 3/10। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले 5 से 6 ये सीपी और ये एसपी, 5 से 6 फिर 10 से 13, पहले कितने कम, 600 रुपए कम। 600 कम में खरीदा होता, 600 कम में खरीदा होता और 400 कम में बेचा होता। बस यहीं पे अपना आंसर आ जाएगा, यहीं पे। अब इनको मिटा देता हूँ मैं। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 13 × 5 = 65, 10 × 60 = 60, 10 × 6 = 60 और 65 का डिफरेंस क्या आएगा, 5। हर बार क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस लेना है। ये 4000 हो गया, ये 7800 हो गया। बोलो 4000 और 7800 का डिफरेंस कितना होगा, 4000 और 7800 का डिफरेंस 3800 हो जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर से समझा रहा हूँ, ये 65, ये 60, डिफरेंस 5। क्यों लेते हैं ये, मैं क्रॉस मेथड में जब आपको सिखाऊंगा वहाँ बताऊँगा कि क्रॉस मेथड कहाँ अप्लाई होता है। ये 4000, ये 7800, 3800 डिफरेंस, 5 इकाई 3800 के बराबर। अगर 5 इकाई 3800 के बराबर तो आपको क्रय मूल्य चाहिए। ये आपका क्रय मूल्य होगा हर बार, ये आपका क्रय मूल्य होगा, यानी 5 इकाई की वैल्यू चाहिए आपको। अगर यहाँ पे मान लो 7 होता तो पहले इसमें 5 का भाग देते फिर 7 से गुणा करते। अगर मान लो यहाँ पे 9 होता तो पहले 5 का भाग देते फिर 9 से गुणा करते। बट यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यही आपका क्रय मूल्य होगा, यही आपका क्रय मूल्य होगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को अपन क्रॉस मेथड से कर देंगे। चलो एक अलग टाइप आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक अपन ने जो ये टाइप पढ़ा 32, 33, 34, 35, ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, जो सेम पैटर्न के क्वेश्चन थे और हर एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट थे। मैं जो भी टाइप ले रहा हूँ वो वही टाइप ले रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। बेसिक से चलेंगे अपन, देखो क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अभी अपन कुछ देर पहले पढ़ा था कि आमने सामने रेशियो होता है, सीपी 7 हो गया, एसपी 10 हो गया, रेशियो अपोजिट होता है,
अभी अपन ने पीछे लास्ट क्लास में पढ़ा था, रेशियो ऑपोजिट हो जाएगा, सीपी 7 हो जाएगा, एसपी 10 हो जाएगा। 7 रुपये में खरीद कर 10 रुपये में बेच रहा है, 7 रुपये में खरीद कर 10 रुपये में बेच रहा है, बोलो कितना प्रॉफिट? आप बोलोगे 3 रुपये का प्रॉफिट। 3 रुपये का प्रॉफिट कितने पे? 7 पे इंटू 100। और जब आप 300 में किसका भाग दोगे? 7 का भाग दोगे तो 42/6/7, 42/6/7। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, नए टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, बहुत आसान सा टाइप है, ठीक है। हमेशा याद रखना ये बात, जब भी आपको कोई ये बोले, जब भी आपको कोई ये बोले 3A बराबर है 5B, 3A बराबर है 5B, तो यहाँ A की वैल्यू 5 होगी और B की वैल्यू 3 होगी। ये रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे अपन, अनुपात समानुपात में पढ़ेंगे अपन, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं अपन, बात समझ पा रहे हो ना। चलो आगे, फिर से आ गया देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। आसान आसान क्वेश्चन आप तो कर लेते हैं इनको जल्दी जल्दी। एक व्यापारी यह पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? कर दोगे? ध्यान देना, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूं अब मैं, एक दो क्वेश्चन के बाद बहुत अच्छे लेवल तक क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो लाभ या हानि परसेंट। अब देखो, जितना छोटा कर दोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 25 का भाग 11 बार, 25 का भाग 10 बार, बोलो सीपी कितना? 10, एसपी कितना? 11। 10 रुपये में खरीद कर 11 रुपये में बेच रहा है, बोलो कितना प्रॉफिट? 1 रुपये का प्रॉफिट। कितने पे? 10 पे। प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, 1/10 क्या होता है? 10%। 1/10 × 100, 1/10 × 100, 10% प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, करो इसको, कर दो इनको, तो ये छोटे छोटे गरीब क्वेश्चन है, इनको तो कर दो जल्दी से, ले आओ आंसर जल्दी से। देखो आप कर लिया सबने, देखो 10 संतरों का विक्रय मूल्य, 10 संतरों का विक्रय मूल्य, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 संतरों का क्रय मूल्य यानी सीपी, 2 का भाग 5 बार, 2 का भाग 6 बार, बताओ सीपी 5 है और एसपी 6 है, सीपी 5 है एसपी 6 है, सीपी 5 है, ये बता चुका मैं आपको। बोलो 5 रुपये में खरीद कर 6 रुपये में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट? 1 रुपये का प्रॉफिट। कितने पे? 5 पे × 100, 20% प्रॉफिट हो जाएगा, 20% प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो क्लियर? आगे बढ़े, देखो आप इस बार थोड़ा ठीक क्वेश्चन आए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो सुनो ध्यान से। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको, सुनो अभी याद रखना मैं जो बता रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन में बात करे, सुन लो ढंग से, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको,
जब भी क्वेश्चन में बात करें प्रॉफिट की, इसका मतलब अपने को एसपी माइनस सीपी लिखना है। ये मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी, और लॉस का मतलब होता है सीपी माइनस एसपी। अगर आपके सामने ये नहीं लिखे हुए, अगर आपके सामने सिर्फ यही लिखा हुआ है, तो आप इनको देख के आपको बताना पड़ेगा कि अगर एसपी में से सीपी माइनस हो रहा है इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, और अगर सीपी में से एसपी माइनस हो रहा है इसका मतलब लॉस हो रहा है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हानि होती है। क्या एक बात तो समझ में आई आपको? दूसरी बात एक और आपको क्या याद रखना है कि इनके जो मल्टीपल होंगे, इनके जो कोफिशियंट होंगे गुणांक, वो हमेशा सेम होंगे। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8। आप बोलोगे ऐसा क्यों? अरे मुझे आप एक बात बताओ, आप जितनी वस्तुएं खरीद के लाओगे उतनी तो बेचोगे, बोलो हाँ या ना? कभी ऐसा हुआ आपने कि 20 वस्तुएं खरीद के लाए और 25 बेच रहे हो आप? कभी ऐसा हुआ आपने 15 वस्तुएं खरीद के लाए 12 बेच रहे हो आप? अगर 15 वस्तुएं खरीद के लाए और 12 बेच रहे हो आप, तो क्या अभी आपका प्रॉफिट लॉस हो गया क्या? प्रॉफिट लॉस तो तभी होगा जब आप जितनी खरीद के लाए उतनी बेच रहे हो आप। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो इनके गुणांक सेम होंगे, बस आपको क्या याद रखना है कि गुणांक तो सेम होंगे ही होंगे, उसके अलावा आपको क्या याद रखना है? प्रॉफिट तो पहले एसपी, लॉस तो पहले सीपी, बस और कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ मैं आपको, 5 से 7 क्वेश्चन, ठीक है? सुनो ध्यान से। धीरे धीरे बढ़ा कर देता हूं, देखो सुनो। आप क्वेश्चन आपके सामने, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेच रहा है, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेच रहा है। देखो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं पहले, रुको एक बार आप। बिल्कुल, इस क्वेश्चन से पहले ये क्वेश्चन लेता हूं मैं। 14 समान घड़ियों को प्रति घड़ी 450 की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो कितने घड़ियों का बिजनेस कर रहा है? 14 घड़ियों का बिजनेस कर रहा है और प्रॉफिट हो रहा है, 4 घड़ियों के क्रय मूल्य का लाभ हो रहा है। सुनो ध्यान से, प्रॉफिट हो रहा है, मुझे आप ये बताओ प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी माइनस सीपी लिखोगे? प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी माइनस सीपी लिखोगे? चौदह एसपी माइनस 14 सीपी, ये कह रहा है ये प्रॉफिट हो रहा है, ये लाइन ये कह रही है ये प्रॉफिट हो रहा है, और ये कितना प्रॉफिट हो रहा है? 4 घड़ियों का क्रय मूल्य 4 सीपी। क्या यहां तक समझ में आया? एसपी माइनस सीपी का मतलब प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट? 4 सीपी, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब इसको सोल्व करो, ये सीपी इधर ले आओ, 18 सीपी बराबर 14 एसपी, 18 घड़ियों का क्रय मूल्य बराबर है 14 घड़ियों का विक्रय मूल्य। अब इसने क्या बोला, देखो प्रत्येक को 450 रुपए में बेच रहा है, प्रत्येक को 450 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब एक एसपी 450 है। 14 × 450 में अगर आप 18 का भाग दे दोगे तो एक सीपी आ जाएगा, एक सीपी आ जाएगा 18 का भाग दे दोगे तो 9 से 2 बार, 9 से 50 बार, 2 से 7 बार। बोलो एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 350 रुपये। एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 350 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आप ऐसे क्वेश्चनों में सबसे इम्पोर्टेंट यही है, बस और कुछ नहीं है, उसके बाद तो कैलकुलेशन है, गुणा भाग।
सिर्फ एक लाइन इम्पोर्टेंट है, उसके बाद गुणा भाग है कैलकुलेशन। बोलो क्लियर, आगे बढ़े अपन। अरे बोलो हाँ या ना। देखो फिर से लेता हूँ मैं अच्छा क्वेश्चन। निशा 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदती है। थोड़ा सीक्वेंस वाइज क्वेश्चनों को ले लेता हूँ मैं, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। सत्रह गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। इस बार लॉस हो रहा है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो बोलो सीपी माइनस एसपी। 17 सीपी माइनस 17 एसपी, ये लॉस हो रहा है। 17 सीपी माइनस 17 एसपी, ये लॉस हो रहा है। कितना लॉस? 5 क्रय मूल्य, 5 सीपी, 5 क्रय मूल्य, 5 सीपी का लॉस हो रहा है। यहाँ तक कोई डाउट? अब बताओ सीपी को इधर घटा दो, इसको इधर ले आओ, तो आप क्या बोलोगे? एसपी को इधर ले आओ। 17 एसपी बराबर 12 सीपी। 17 गेंदों का विक्रय मूल्य बराबर 12 गेंदों का क्रय मूल्य। 17 गेंदों का विक्रय मूल्य बराबर 12 गेंदों का क्रय मूल्य। अब बताओ एक गेंद 17 गेंदों को बेचा कितने में? 720 रुपये में। 17 गेंदों का विक्रय मूल्य 720 है। देखो आप बोलोगे सर आपने 17 × 720 क्यों नहीं लिख रहे? कि ये 720 एक का नहीं है, ये 720 एक का नहीं है, ये 720 17 गेंदों का ही मूल्य है। 17 गेंदों को बेच रहा है 720, तो 17 एसपी की जगह 720 आ गया, बराबर 12 गेंदों का क्रय मूल्य। तो बोलो एक गेंद का क्रय मूल्य 720 में 12 का भाग, बोलो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना? 60 रुपये। ये अपना आंसर। तो देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये लाइन इम्पोर्टेंट। अगर आप इस लाइन को समझ में आ गया ये लाइन, तो आपको पूरा टाइप समझ में आ जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस पूरा क्वेश्चन बस इस एक लाइन को समझ जाओ। सीपी माइनस एसपी लॉस कहता है, एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट कहता है। क्वेश्चन में अगर लॉस की बात हो रही है सीपी माइनस एसपी लिखो, क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट की बात हो रही है एसपी माइनस सीपी लिखो। बस इतनी सी बात है। क्रमांक सेम होंगे दोनों के, दोनों के गुणांक सेम होंगे, मल्टीपल जो है वो सेम होंगे। क्या आगे बढ़े? अब देखो ये क्वेश्चन करना अपने को, थोड़ा सा सोचो आप, देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन। एक बार खुद लो टाइम, लो थोड़ा सा करो, सभी सभी करो। निशा 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदती है, उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ में बेचती है। देखो लाभ हो रहा है, ध्यान दो लाभ हो रहा है, तो बोलो एस पी माइनस सी पी आएगा। 25 एसपी माइनस 25 सीपी, 25 एसपी माइनस, फिर से ध्यान देना, इसको इतना ही ले लेता हूँ मैं। बताओ लाभ हो रहा है या नहीं? लाभ हो रहा है तो एसपी पहले आएगा। 25 एसपी माइनस 25 सीपी, मल्टीपल सेम होंगे, लाभ हो रहा है तो एस पी माइनस सी पी। कितना लाभ हो रहा है? 5 एसपी का लाभ हो रहा है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये लाभ हो रहा है, ये लाभ हो गया। अब बताओ इसको सोल्व करना है। देखो 5 इधर एसपी में घटा दो, सीपी इधर ले आओ, तो आप क्या बोलोगे? 25 सीपी बराबर 25 एसपी में से 5 घटाओ, 20 एसपी आ जाएगा। अब उसने क्या बोला? देखो निशा 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदती है, खरीदना का मतलब क्रय मूल्य। 25 किताबों का क्रय मूल्य 2000 रुपये, 25 किताबों का क्रय मूल्य 2000 रुपये। बोलो क्या इस पूरे की वैल्यू, क्या इस पूरे की वैल्यू 2000 रुपये है क्या? तो 2000 में किसका भाग दोगे? 20 का, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य।
बोलो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2000 में 20 का भाग दे दो। 2000 ही है ना, 2000 में 20 का भाग दे दो तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये आ जाएगा। और ये पूछा कि एक किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 रुपये हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा, क्लियर? बोलो हो जाएगा सबसे। वीडियो को फिर से देखना एक बार तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है? बार बार देखोगे इनको तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इनमें डिस्काउंट आया हुआ है देखो, और मैं ये तभी, ये दोनों क्वेश्चन आपको तभी बताऊंगा जब डिस्काउंट का टाइप आएगा। आप इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को बाद में याद जरूर दिला देना कि सर ये दो क्वेश्चन ने हुए 42 नंबर और 43 नंबर। अभी नहीं करेंगे अपन, जब डिस्काउंट का नंबर आएगा उस टाइम मेरे को हल्का सा रिकॉल करवा देना आप कि सर ये दो क्वेश्चन बाकी है 42 और 43। 42 और 43 दोनों स्क्रीनशॉट ले लो, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है? इनको मैं बाद में करवा दूंगा, इनको दोनों के स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप मेरे को बाद में बता सको, ठीक है ना? देखो तो ध्यान देना सभी, ये क्वेश्चन आप मुझे बाद में बता देना आप कि 42 नंबर और 43 नंबर, क्वेश्चन नंबर 42 और 43 है बाकी। जैसे ही अपन डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे, अभी अपना ये प्रॉफिट लॉस बहुत ज़्यादा लेंथ ही चलेगा, अभी तो MRP डिस्काउंट ये तो अभी बहुत बाकी है, ठीक है? फिर इनके मिक्स पार्ट चलेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है। चलो अपन एक नए टाइप की तरफ बढ़ते हैं। देखो ध्यान देना, एक नया टाइप की फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, ठीक है ना? कंपेयर वाले क्वेश्चन जो सक्सेसिव होगा वो क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, ध्यान दो। एक व्यक्ति 8000 रुपये की एक किताब खरीदता है, उसका 1/4 भाग 20% हानि पर बेच देता है, वह शेष को कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हो। पहले तो मैं पूरा बेसिक से बताता हूँ आपको, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि अपने को एग्जाम में किस तरह से करना है। सुनना ध्यान से, देखो क्या कह रहा है। टोटल 8000 रुपये अपन कोई सामान लेके आए, 8000 रुपये का, उसका 1/4 भाग, आप मुझे ये बताओ इसका 1/4 क्या होगा? आप बोलोगे 2000 रुपये, तो फिर रिमेनिंग कितना? रिमेनिंग कितना? 6000 रुपये। बोलो हाँ या ना? 8000 रुपये का अपन सामान लेके आए, सबसे पहले उसने इसका 1/4 भाग अलग कर दिया, 8000 का 1/4 यानी 2000 रुपये, और रिमेनिंग 6000 रुपये। यहाँ पे उसे 20% लॉस हो गया, यहाँ पे उसे 20% लॉस हो गया। बोलो इसका 20% 1/5 होगा, 20% 1/5, 2000 का 1/5, 400 रुपये का लॉस हो गया उसे। यहाँ पे 400 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया। अब क्या कह रहा है कि वह बचे हुए भाग को मतलब 6000 रुपये को कितना प्रॉफिट पर बेचे कि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। मुझे आप एक बात बताओ, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस तभी होगा जब उसे ये 400 रुपये का लॉस हुआ है, इधर 400 रुपये का प्रॉफिट हो। अगर ये जो 400 रुपये का लॉस हुआ है, इधर अगर अपने को 400 रुपये का प्रॉफिट होगा तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब ये 400 रुपये का प्रॉफिट चाहते हैं अपन, ये 400 रुपये का क्या चाहते हैं अपन? प्रॉफिट चाहते हैं। 400 रुपये का प्रॉफिट चाहते हैं कितने पे? 6000 पे, परसेंटेज में इंटू 100। तो आपने क्या देखा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 40/6 20/3 होता है, और 20/3 हमेशा क्या होता है? 6 से ही 2/3, 20/3 हमेशा 6 से ही 2/3 होता है। तो एक तो ये तरीका। अब आप बोलोगे इस तरीके से मैं इसलिए नहीं बता रहा आपको, मुझे आप ये बताओ 8000 का 1/4, अगर 8000 का 1/4 2000 होता है, अगर मैं आपको ये बोलो 8000 का 1/7 क्या होगा,
तो आप बोलोगे 8,000 में तो 7 का भाग जाएगा ही नहीं। तो जब अपने सामने कोई ऐसी वैल्यू आ गई जब डिवाइड नहीं होगा तो समस्या हो जाएगी, जब डिवाइड नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। अरे बोलो क्लियर? तो सुनो ध्यान से, तो सेकंड मेथड क्या करेंगे, ये तो अपना फर्स्ट मेथड होगा, ये भी आपको आना चाहिए, ये अपना फर्स्ट मेथड होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सेकंड मेथड देखो आप, वहीं से अपने को क्वेश्चन करने हैं सेकंड मेथड से, ध्यान देना। देखो टोटल वस्तु कितनी है, 4। टोटल वस्तु 4 है, सुनो ध्यान से, 4 में से एक वस्तु पर 20% लॉस हो गया, एक वस्तु पर 20% लॉस हो गया। बोलो कितना लॉस हो गया? 20% लॉस हो गया। कितनी वस्तु बची? 3 वस्तु बच गई। अब मुझे एक बात बताओ, ओवरऑल क्या चाहता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस चाहता है। अगर ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस चाहता है तो मुझे आप ये बताओ, ये जो 3 वस्तुएं हैं इनके ऊपर अपन कितना प्रॉफिट लें कि ये 0 आए? आप बोलोगे 3 वस्तुओं पे आप अगर प्लस का 20% लोगे, अगर आप 3 वस्तुओं पे प्लस का 20% लोगे तो ये ओवरऑल 0 आएगा। तो बोलो 3 वस्तुओं का 20% तो एक वस्तु पे कितना? आप बोलोगे 20/3। बोलो आंसर क्या आएगा? 6/2/3। यही अपना क्या होगा? आंसर होगा 6/2/3% अपना आंसर होगा। क्या मेरी इस बात को समझ पाए आप? अरे बोलो हाँ या ना। आगे अपन और बढ़ते हैं, देखो एक दो क्वेश्चन और लेंगे तो ये समझ में आएगा आपको। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, सुनो ध्यान से, यहां से आपका और भी डाउट दूर होगा। राम कुल खरीदी गई वस्तुओं का 3/8, 3/8 का मतलब होता है 8 में से 3, 3/8 का मतलब होता है 8 में से 3 भाग 12% लाभ पर बेचता है। अब ज्ञात कीजिए कि वह शेष को कितना परसेंट लाभ अथवा हानि पर बेचे कि कुल पर 4% का लाभ हो, कुल पर 4% का लाभ हो। सुनना ध्यान से, देखो ध्यान दो आप, देखो 3 भाग पे 12% लाभ था, 3 भाग 12% लाभ, तो टोटल लाभ कितना? 36%। सुनो ध्यान से, 3 भाग पे 12% लाभ था तो टोटल 36% लाभ हो गया। अब बताओ बचे कितने? आप बोलोगे 5 बचे। शेष का मतलब 8 में से 3 हो गए तो 5 बचे। शेष को कितना परसेंट लाभ हुआ हानि पर बेचे? अब शेष पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। क्या बेचे? कि कुल पर 4% लाभ हो। सुनो ध्यान से, कुल का मतलब 8, कितना लाभ? 4%, कितना हो गया? 32%। अब मुझे आप एक बात बताओ, आप यहाँ उसे 36% लाभ हुआ और पूरे बिजनेस के बाद उसे 32% लाभ हो रहा है, फर्स्ट स्टेप के बाद उसे 36% लाभ हो गया और पूरे बिजनेस के बाद उसे 32% ही लाभ हो रहा है, इसका मतलब सेकंड स्टेप में उसे 4% का लॉस हो रहा है, सेकंड स्टेप में उसे 4% का लॉस हो रहा है। तभी तो 36 में से 4 घटाओगे 32 आएगा। अब बताओ 5 वस्तुओं को अगर 4% लॉस पे बेचेगा तो एक का लॉस कितना होगा? आप बोलोगे 4/5%। तो 4/5% क्या होगा? लॉस होगा। इनमें यहाँ मान लो लॉस लगा हुआ है, यहाँ प्रॉफिट लगा हुआ है, तो 4/5% क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। बोलो समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? बेसिक से क्वेश्चन है, बोलो आगे बढ़े।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी। क्या कह रहा है, पारथ अपने पहले निवेश पर 15% कमाती है और अन्य निवेश पर 10% का नुकसान सहती है। यदि दोनों निवेश का अनुपात 3:5 है तो कुल मिलाकर उसे कितना परसेंट हानि हुई या प्रॉफिट हुआ, सुनो ध्यान से। ध्यान दो, देखो 15% कमाती है, जिनकी इकाई कितनी है, 3, आप क्या लिखोगे, 3 × 15% कितना हो गया, 45% हो गया, प्लस का 45% कमा रहा है। फिर बोला अन्य निवेश यानी 5 वाले पे 10% का लॉस हो रहा है, 5 × 10%, ये 10% का क्या है, लॉस है, तो कुल लॉस कितना, 50%। अब आपने क्या देखा, सुनो ध्यान से, अब आपने क्या देखा, 3 वस्तुओं पे 15-15% 45% प्रॉफिट हुआ था और 5 वस्तुओं पे 10-10% क्या हुआ, लॉस यानी 50% लो गया। तो टोटल आठ वस्तुओं पे 5% लॉस हो रहा है। अगर टोटल 8 वस्तुओं पे 5% लॉस हो रहा है तो बोलो 1 वस्तु पे कितना लॉस होगा, आप बोलोगे 5/8% लॉस होगा, 5/8% क्या होगा, लॉस होगा। डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या मेरी इस बात को समझ पाई, अरे बोलो हाँ या ना। 3 × 15% 45%, 5 × 10% 50%, 45% प्रॉफिट है प्लस का है, 50% लॉस है माइनस का है, तो ओवरऑल तो 5% का लॉस हो रहा है ना। अगर ओवरऑल 8 वस्तुओं पे 5% लॉस तो 1 वस्तु पे कितना लॉस हो गया, 5/8। बोलो क्लियर, समझ पा रहे हो। तो इस टाइप को धीरे धीरे अपन आगे बढ़ाएंगे, और भी क्वेश्चन लेंगे अपन, लेवल के क्वेश्चन जाएगा, अभी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में मैं और भी लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा, अभी तो सीधे सीधे रेशियो में आ रहे हैं। जब बड़े बड़े फ्रैक्शन आ जाएंगे, 1/3, 1/4, 4/5, जब 2 या 2 से अधिक रेशियो आ जाएंगे एक साथ, तो अपन कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार रिवाइज करो, वीडियो को बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, ऐसे नहीं कि आज अपन ने कल वाला पढ़ा उसको कल पढ़ लिया बस काम खत्म, आज वाला पढ़ लिया आज प्रैक्टिस, कल वाले की भी प्रैक्टिस आज करो, पीछे वाले की भी प्रैक्टिस करो, अभी आपके पास खूब सारा टाइम है, जितना हो सके खूब सारा टाइम दो आप, ठीक है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू।